घाटों पर लगेगी G20 देशों की लोकायुक्त आकर्षक छतरी। 17 से 19 अप्रैल तक का ये है शेड्यूल। वाराणसी में G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। काशी के घाटों पर लगी पुरानी छतरी हटाई जाएगी, इसकी जगह G20 देशों की लोकायुक्त आकर्षक छतरी लगाई जाएगी। काशी के गंगा घाटों पर लगी पुरानी छतरी हटाई जाएगी, इसकी जगह G20 देशों की लोकायुक्त आकर्षक छतरी लगाई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। निगम की ओर से सभी घाटों का सर्वे कराया गया है। पुरानी बांस की लगी छतरियों को हटाकर नई छतरी लगाई जाएगी ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों के सामने बेहतर छवि आए। 84 घाटों में से 66 घाटों पर फसाड लाइटिंग का काम पूरा हो गया है। बिजली के खम्भों को दुरुस्त कराया जा रहा है। पुराने खम्भों पर पेंटिंग कराई जा रही है। घाट जाने वाले मार्ग को दुरुस्त कराया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय ने बताया कि घाटों की छतरियां बदली जाएंगी। काशी के उत्पादों की जानकारी भी दी जाएगी। G20 देशों के वैज्ञानिक टिकाऊ खेती और खाद्य प्रणाली परिवर्तन पर मंथन करेंगे। इसमें विशेष आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी देखेंगे। वाराणसी के उत्पादों की भी जानकारी दी जाएगी। 17 अप्रैल 9 बजे उद्घाटन समारोह, 9:30 बजे से 1 बजे तक खाद्य सुरक्षा और पोषण में विज्ञान की भूमिका पर मंथन, 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक वर्तमान परिदृश्य में खाद्य प्रणाली सहित अन्य विषयों पर चर्चा, 5:30 बजे क्रूज से गंगा आरती और लौटने के बाद होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 18 अप्रैल सुबह 9 बजे से 12:40 तक डिजिटल कृषि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संभावना पर मंथन, 2 बजे से अंतर्राष्ट्रीय कृषि पर हुए शोध पर दूसरा सत्र, 5 बजे से सारनाथ भ्रमण और लाइट एंड साउंड शो, 19 अप्रैल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक विभिन्न विषयों पर सेमिनार और चर्चा, 2 बजे दीनदयाल हस्तकला संकुल का भ्रमण, 7 बजे से विदाई समारोह।